यूपी के मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बावजूद अभी भी कई अधिकारी नीली बत्ती का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। नौकरी के दौरान तो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में यह अधिकारी नीली बत्ती लगाकर घूमते नजर आते ही हैं। इसके अलावा रिटायर होने के बाद भी यह अधिकारी अपनी नीली बत्ती लगाकर रौब झाड़ते रहते हैं। ताजा मामला है हमीरपुर जनपद का, जहां के रहने वाले डीआईजी साहब रिटायर होने के बाद भी नीली बत्ती का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब आप खुद ही देखिए, यह है नीली बत्ती लगी वीआईपी प्राइवेट गाड़ी जो हमीरपुर के कलेक्टर में खुलेआम घूम रही है। अब आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह कोई साधारण अधिकारी की गाड़ी नहीं है, यह गाड़ी है रिटायर डीआईजी अदित प्रकाश की। डीआईजी साहब खुद गाड़ी में बैठे हैं और वह कलेक्टर परिसर में अंतर पर बैठे लोगों के हालचाल जानने के लिए यहां आए, मगर उन्हें क्या पता था कि मीडिया के कैमरे ने उनकी नीली बत्ती के मोह की कहानी अपने कैमरे में कैद कर ली। डीआईजी साहब हमीरपुर के ही रहने वाले हैं, जो अपने गांव से इस गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर अधिकारियों के बीच रौब झाड़ते अक्सर नजर आ जाते हैं। डीआईजी साहब ने मीडिया के कैमरे को जैसे ही देखा तो कलेक्टर से रफु चक्कर हो गए, मगर इस गाड़ी में बैठे उनके रिश्तेदार ने कहा कि डीआईजी साहब के परिवार में 40 आईपीएस अधिकारी हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी सरकार ने ऐसे जिनके घर में 40 आईपीएस अधिकारी हों उन्हें नीली बत्ती लगाने की परमिशन दे दी है। वहीं इस संबंध में एआरटीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसी भी अधिकारी को प्राइवेट गाड़ी में नीली बत्ती लगाने का अधिकार ही नहीं है, रिटायर हो तो हो ही नहीं सकता। हमीरपुर से टॉप न्यूज के लिए संतोष चक्रवर्ती की रिपोर्ट। ये कौन है आप साथ में बैठे थे? तो हम उसी मन मिल लिया। क्या नाम है डीआईजी साहब का? आदित्य जी कहते हैं। ये रिटायर होने के बावजूद भी नीली बत्ती लगाए हुए हैं? अरे तो परिवार भर 40 अधिकारी है, वन क्लास अधिकारी इनके परिवार में 40 अफसर। लेकिन मुख्यमंत्री का फरमान है कि कोई भी मुख्यमंत्री खुद जिले में रहे बहुत दिन तक डीआईजी। रिटायर होने के बाद गाड़ी नीली बत्ती लगाए? नीली बत्ती के संबंध में केंद्रीय मोटर जो विभाग है हमारा, सेंट्रल मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, उसने 1 मई 2017 से संशोधित अधिसूचना जारी की है, जिसमें केवल 3 प्रकार के लोगों को ही नीली बत्ती अलाउ किया गया है। पहला है पुलिस के वाहन, दूसरा है एम्बुलेंस, और तीसरा है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी ड्यूटी आपदा प्रबंधन में लगाई जाती है, उसमें आपदा प्रबंधन के कार्य के दौरान अपने सरकारी वाहनों में ही केवल जो है वो नीली बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि तरह पुलिस का सेवानिवृत्त अधिकारी, क्या वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर चल सकता है? नहीं, प्राइवेट गाड़ी में तो किसी भी हिसाब से नहीं लगा सकता है, केवल सरकारी वाहन में और सरकारी कार्य के दौरान ही वो नीली बत्ती का पद पे रहते हुए कर सकता है। अगर ऐसे गाड़ी मिलती है क्या कार्रवाई करेंगे? उसमें जो हमारी धाराएं हैं मोटर व्हीकल एक्ट की, उसके विरुद्ध उसमें चालान की कार्रवाई और बत्ती उतारने की कार्रवाई बनती है।